लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज़ 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। जामिया में लंबे समय से चल रहे नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन के बीच गुरुवार को एक युवक द्वारा छात्रों पर बंदूक से गोली चलाने के मामले में राजनीति तेज हो गई है। पूरे मामले को लेकर सभी राजनीतिक दल केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने देश भर में हो रही इन घटनाओं के लिए केंद्र सरकार और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शुक्रवार को मीडिया से बातचीत करते हुए जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने हनुमान चालीसा का पाठ करवाया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली के अंदर आरएसएस से जुड़ा एक युवा गोली चलाकर छात्र को घायल करता है। केंद्र सरकार और आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंत्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को भड़काने का काम कर रही है, यह सब केंद्र सरकार और आरएसएस की मिलीभगत है। संघ प्रमुख मोहन भागवत के मध्य प्रदेश दौरे पर मंत्री शर्मा ने कहा कि उनसे निवेदन है, उन्हें जितने दिन एमपी में रहना है रहे, पर युवाओं को भड़काने का काम न करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 29 इंडिया। उनसे निवेदन है जितने हफ्ते रहना हो भोपाल मध्य प्रदेश में रहें, लेकिन युवाओं को उस तरह से भड़काएं जिस तरह से जामिया मिलिया में उनसे संबंधित युवा गोली चला। घर बैठे मकान और दुकानों के नक्शे मंजूर होंगे और पोर्टल पर ही 30 दिन के अंदर मिल जाएगी मंजूरी। ये किसी चीज़ हर चीज़ को आसान जो किया जा रहा है, जो ये सब चीज़ें अगर कहीं हैं आज तो वेस्टर्न कंट्री यूएसए में है, उसको मुख्यमंत्री कमलनाथ। और मोबाइल पर इसकी सूचना मैसेज के माध्यम से मिल जाएगी और नगर निगम के या कहीं भी अधिकारियों के ऑफिसर्स के इसके लिए चक्कर आर्किटेक्ट के नहीं लगाना पड़ेगा। कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक मेरे विभाग से संबंधित हुई, राम वन गमन पथ, जिसकी 15 सालों तक तो सुनते रहे हम चर्चा, तो सीता माता का मंदिर श्रीलंका में, जैसा मैंने बताया कि श्रीलंका भी हम लोग गए थे हमारे एसीएस मनोज श्रीवास्तव में, कल उसकी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसके पहले वेनेगल जी जो वहाँ के बौद्ध गुरु हैं, बौद्ध सोसाइटी के अध्यक्ष, वो भी मुख्यमंत्री जी से मिले थे। कल मुख्यमंत्री जी ने ये कह दिया कि एक ट्रस्ट बनेगा, इसकी पूरा 10 दिन के अंदर इसकी वर्किंग कैसी होगी, ये इसका ड्राफ्ट बनाने के लिए अधिकारियों उसका है और मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे और चीफ सेक्रेटरी उसके सचिव होंगे, तो बाकी और कैसे कैसे मेंबर्स होंगे, कुछ धार्मिक लोगों को, कुछ सामाजिक लोगों को भी उसमें रखा जाएगा। 22 करोड़ रुपए इसमें पहले से है और 22 अगले बजट में, इससे 44 करोड़ की राशि आ जाएगी। 30 किलोमीटर चित्रकूट से और 30 किलोमीटर अमरकंटक से ये पथ बनेगा, 8 फिट इसकी चौड़ाई पथ की होगी। बाकी रोड और बाकी जो डेवलपमेंट है, जितने भी शहर बीच में आ रहे हैं 5-6, उनका भी पूरा वो होगा। जितने मंदिर आएंगे उन सबको भी उसमें समायोजित किया जाएगा। तो इस तरह से ये उन्होंने कल सब चीज़ें क्लियर कर दी और सीता माता का मंदिर बनेगा जिसके लिए 5 करोड़ रुपए चिन्हित हुए। एक हाई पावर डेलीगेशन अधिकारियों का श्रीलंका, जापान, जितने भी बौद्ध कंट्री वहाँ जाएंगे और बौद्ध सांची के अंदर बौद्ध म्यूजियम, बौद्ध टीचिंग्स, ये सब एक पूरी उसकी वो तैयारी बनेगी। और 30 दिन के अंदर सर्वे भी होना है इसका। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि जो 30 किलोमीटर और जो रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये सर्वे करेगा, चिन्हित करेगा पूरा ऑन द वे और हम लोग भी जाएंगे वहाँ। तो आप देखते रहिए न्यूज़ 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।